ऑनलाइन ऑफलाइन पीपीएस एंड पीपीआर यानी क्लास 12 में जो एग्जामिनेशन हुआ था इस साल और उसके रिगार्डिंग पीपीएस और पीपीआर के लिए क्या रूल है, तो उसके लिए आपको क्या करना, किसी ब्राउज़र में टाइप करना wbcsse.nic.in, उसके बाद आप इस पेज में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर रूल्स फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन पीपीएस एंड पीपीआर न्यू जो बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे 2020। अब जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पर एक नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद से उसमें यही लिखा है कि आपको जो पीपीएस है पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी कौन करवाते हैं, स्क्रूटनी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके लिए है, और उनके लिए उनको चार्जेस कितना देना पड़ेगा, 50 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा। फोर्थ नंबर लाइन में आप दे सकते हैं पोस्ट पब्लिकेशन पीपीएस जिसको बोला जाता है, उसके लिए 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और पीपीआर यानी पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू, तो ये किनसे देना है, ये अनसक्सेसफुल कैंडिडेट उनके लिए है जो 75 रुपीज़ देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट के लिए। फिर से बोल दे रहा, पीपीआर के लिए 75, पीपीएस के लिए 50 रुपीज़, और स्कूल में जाकर इसके लिए कांटेक्ट करें तो पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना तो आपको आपका रोल नंबर और मार्कशीट नंबर ये पता होना चाहिए ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन के लिए इसका लास्ट डेट जो ये कब से ये लिंक एक्टिवेट होगा, 31 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। और स्कूल में कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको स्कूल में, अगर स्कूल से अप्लाई कर रहे हैं तो एक प्लेन पेपर में अपना नाम, जो गार्जियन है वो स्टूडेंट का नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट जो अप्लाई करना चाहते हैं नेम ऑफ द सब्जेक्ट वो सारा, और अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड देना है, फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट वो देना है, और फीस देना है। यही से जाकर आप अपने स्कूल में जो जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें, और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म इस टाइप का होगा। और ये जो है इसी साल के कैंडिडेट जिसने एग्ज़ाम दिया इसके लिए ही ये पीपीएस और पीपीआर है किया जाएगा, और ये फॉर्म कुछ इस प्रकार होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्म कुछ इस प्रकार आप जैसा कि देख सकते हैं, और ये इंस्टीट्यूट का फॉर्म रहेगा, ये उनको दिया जाएगा। आप इसके लिए अपने स्कूल में कांटेक्ट करेंगे, और देखिए जैसा कि मैंने आपको फीस बताया था वो इसमें लिखा गया। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर से बता दूं, लास्ट डेट इसके लिए जो है स्टार्टिंग डेट है 31 जुलाई 2020 से, लास्ट डेट 31 अगस्त 2020। और पीपीएस और पीपीआर में फ़र्क क्या है, पीपीएस में आपको सिर्फ स्क्रूटनी किया जाता है आंसर स्क्रिप्ट का, इसमें नंबर टोटल नंबर जो आपको पर पेपर में दिया गया है वो सब चेकआउट किया जाता है, सही है कि नहीं, वो कितना टोटल में चेक गलत है या फिर कहीं नंबर बैठाने में गलत है वो सब चेक होता है। इसके लिए 50 रुपीज़ लगता है, और पीपीआर में पीपीएस जो होता है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए होता है, और पीपीआर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए होता है जो फेल हो चुके हैं, और इसमें पूरे कॉपी को चेक किया जाता है, और इसके लिए 75 पर कॉपी चेक करने के लिए लिया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसका लिंक मैं नोटिस का पूरा लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।